गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग और सब ठीक हैं आप लोग चलिए आज स्पेशल हॉर्टिकल्चर पे डिस्कस करने वाले हैं अपने खास करके एफ ओ वालों की और टीजीटी पी जी टी वालों की विशेष डिमांड थी कि हॉर्टिकल्चर का सेशन करवा दिया जाए और उसमें फटाफट कुछ क्वेश्चन है वो करवा दिए जाए बहुत ज़्यादा फटाफट पड़ तो नहीं थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे अपने लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और कल है पंद्रह जनवरी पंद्रह जनवरी से हमारे जो नए बैचेज है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें बैंक एफ ओ का लॉन्ग टर्म का है उसके अलावा एम पी आर एच यू का आर ए यू का है उसके अलावा एम एस सी एंट्रेंस के लिए है सी यू टी का है तो उसकी जो डेमो क्लास है वो फाइव डेज के लिए रहेगी फाइव डेज़ का डेमो रहेगा अगर आप फाइव डेज के डेमो को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी जो चैट बॉक्स है उसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है ऊपर लिंक है वो अटैच किया हुआ है उसमें गूगल फॉर्म है तो आप वो गूगल फॉर्म सबमिट कर देना तो आपके पास लाइव क्लासेस का लिंक आ जाएगा जिससे आप फाइव डेज का डेमो है वो मतलब फ्री ले सकते हैं उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नहीं तो फिर अपना यूट्यूब तो है ही चल ही रहा है जे नेट नेट कौन से से? सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर का नेट हॉर्टिकल्चर में भी अभी बैचेज जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा वर्कलोड है विद इन फिफ्टीन डेज हॉर्टिकल्चर के सभी सब्जेक्ट के नेट का बैच स्टार्ट हो जाएगा वैसे वेजिटेबल का ऑलरेडी चल रहा है चलिए करें स्टार्ट ये फाइव डेज डेमो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चैट के अंदर आपके एक मैसेज पिन किया गया है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है वो फिल करें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप फाइव डेज डेमो के लिए एलिजिबल है क्लास का टाइम रहेगा फाइव से शाम को पाँच से सात का रहेगा ठीक है चलिए करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपने डिस्कस करेंगे फटाफट आप लोगों को आंसर देना है और क्विज स्टार्ट करने से पहले फटाफट फटा आप लाइक और शेयर कर दीजिए बिल्कुल यूपी टी जी टी पी जी टी के तो धड़े से बैच चल ही रहे हैं भाई अमित कुमार बहुत है इतने कमेंट है ना चल रहे हैं देखो कोई भी बैच की इंफॉर्मेशन है कोई टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन है ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी ठीक है बाकी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसपे आपके बैच है वो अवेलेबल है सारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से आप कोई भी बैच है उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ रेडिस निम्नलिखित में से कौन सी मूली की बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है किस्म है अर्का मनिक बी ऑप्शन है अरका निशांत सी ऑप्शन है पंजाब सुरक और डी ऑप्शन है अरका रक्षक और अरका सम्राट देखिए स्टूडेंट अरका रक्षक और अरका सम्राट है ये वेराइटियां हैं टोमेटो की टमाटर की है और ये मल्टी डिजीज रेसिस्टेंट वेरायटी है यानी बहु प्रति बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है ये किसकी वेरायटी है टोमेटो यानी टमाटर की वेरायटी है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वेरायटियां हैं ये टोमेटो की वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से ध्यान रखना और मल्टी डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी अभी अपने बात करेंगे इसकी डिटेल में अर्का निशांत जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्का निशांत है वो रेडिस की वेरायटी है और ये मल्टी डिजीज स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो फिजियोलॉजिकल uh, डिसऑर्डर होते हैं या जिनको आप एबायोटिक डिजीज बोलते हैं एबायोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेजम सूक्ष्म जीव के द्वारा न होकर कोई इनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशन वातावरण की प्रतिकूल दशा या प्रॉब्लमेटिक सॉयल या मिसमैनेजमेंट के कारण कोई डिसऑर्डर होता है कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो हम उसको एबायोटिक डिजीज बोलते हैं और ये स्पेशली क्या है अर्शांता ये एबायोटिक डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है कौन कौन से एबायोटिक डिजीज या जिनको आप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या जिनको आप काय के विकार बोलते हैं पिथिनेस के लिए भी ये क्या है रेसिस्टेंट है बोल्टिंग के लिए भी रेसिस्टेंट है और फोरकिंग के लिए भी रेसिस्टेंट है किस किस के लिए है फिर से बोल देता हूं पिथिनेस के लिए है दूसरा बोल्टिंग के लिए है और तीसरा फोरकिंग के लिए भी रेसिस्टेंट है आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा

चलिए तो राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन राइट है अरकामनिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाटरमेलन तरबूज की है ये भी मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है पाउडरी मिल्ड्यू चुरनीपपूड डाउनी मिल्ड्यू तुलसीता और एंथ्रागनोज यानी श्यामवर्ण रोग के प्रतिरोधी अरकामनिक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाटरमेलन की मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी पंजाब लाल और पंजाब सुरक जो वैरायटी है पंजाब लाल और पंजाब सुरक वैरायटी ये चिल्ली की मिर्च की वैरायटी है ठीक है ये भी मल्टी डिजीज वैरायटी है ये टोबिको मोजक वायरस या जिसको आप मतलब जनरली क्या है मोज़क वायरस भी बोल सकते हैं टोबिको मोजक वायरस के रेसिस्टेंट है लीप करल वायरस के रेसिस्टेंट है विल्ट और डाइबेक के भी रेसिस्टेंट है कौन कौन सी पंजाब लाल और पंजाब सुरग किसकी वेरायटी है चिल्ली की वेरायटी है अर्का रक्षक और अर्का सम्राट बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है आई आई एच आर बैंगलोर से रिलीज की गई है अर्का लगा हुआ तो आप समझ ही गए होंगे अर्का वेरायटी कहाती है आई आई एच आर बेंगलोर हसरगटा बेंगलोर से रिलीज होती है ठीक है तो ये दोनों वेराइटियां हैं ये भी मल्टी डिजीज री है टमाटर की और ये अगर अपने बात करें टोबेको तो लीफ करल वायरस या टोमेटो लीफ करल वायरस है उसके लिए रेसिस्टेंट है बैक्टीरियल विल्ट के लिए भी रेसिस्टेंट है और उसके अलावा अर्ली ब्लाइट के लिए भी रेसिस्टेंट है यानी अगेती झुलसा के लिए भी प्रतिरोधी है एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो मैं यहां पे मेंशन करनी भूल गया मैं अभी आपको बता देता हूं अर्का एभेद अर्द भी आपने नाम सुना होगा अर्का एभेद भी बहुत कमाल की वेरायटी है यह भी आई एच चार हसर बेंगलोर से डेवलप की गई है और ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट लीप करल वायरस और बैक्टीरियल वेल्ट चार डिजीज के लिए रेसिसटेंट है अर्का एभेद नोट डाउन कर लेना चाहे एक तो अर्ली ब्लाइट एक लेट ब्लाइट और उसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट और उसके अलावा

दो दिन हॉर्टिकल्चर की दो दिन सोयल साइंस की दो दिन एग्रोनॉमी की इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो बहु देखने को मिले जैसा कि पिछली बार भी मैंने एफ के एग्जाम से पहले सिर्फ दो क्लासें दी थी उनमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे चलिए विच ऑफ द फॉलोविंग इंडाइसिसन निम्नलिख में से कौन सा खरबूजे का परिपक्वता सूचकांक है देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फिंगर सॉरी फिंगर फिलिंग फिंगर फिलिंग या जिसको बोलते आगे फोटो में बताएंगे ये बनाना की है ये मैच्योरिटी इंडाइसिस किसकी है बनाना की मैच्योरिटी इंडाइसिस तो समझते हो ना प्लांट सॉरी फ्रूट या कोई भी एग्रीकल्चर uh, कमोडिटी uh, है उसके द्वारा ऐसे सिम्टम्स शो करना जिससे वो बताए कि अब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते उसको मैच्योरिटी इंडाइसिस बोलते हैं यानी फ्रूट पे ऐसे करेक्टर जो ये शो करते हो कि वो तोड़ने के लायक हो चुका है हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है उसको हार्वेस्टिंग इंडेसाइस बोलते हैं तो फिंगर फीलिंग या एंगुलरिटी डिसअपीयर ये किसकी मैचोरिटी इंडाइसिस है ये केले की है यानी कोणों का खत्म होना या फिंगर का भर जाना अंगुलियों का भर जाना ये केले की मैच्योरिटी इंडाइसिस है टैपिंग देखिए टैपिंग की अगर बात करें तो टैपिंग किसकी मैच्योरिटी इंडाइसिस है एक तो हम बात करें जैक फ्रूट यानी कटहल की है और दूसरा अगर हम बात करें तो गन्ने की भी है गन्ने में भी तो आप मार के देखते हैं छोटे से से है ना इस तरह से मार के देखते हैं और जो वाटरमेलन है उसकी भी मैच्योरिटी इंडाइसिस क्या है टैपिंग तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा कि वाटरमेलन में हम ऐसे चोट मार के देखते हैं और भारी आवाज आती है डल साउंड आता है तो वाटरमेलन क्या होता है पककर तैयार हो जाता है तो इस का right तो right राइट आंसर है पतली आवाज आती है तो सुगर केन है वो क्या है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है लेकिन वॉटरमेलन में जस्ट उल्टा होता है यानी डल साउंड देखो सुगर केन में तो क्या है मेटल साउंड और वाटरमेलन में कैसा डल साउंड तब वो क्या है तोड़ने के लिए लायक हो चुका होता है तो टेपिंग है वो किसकी किसकी मैच्योरिटी इंडाइसेस हो सकती है वोटरमेलन तरबूज की हो सकती पूछा गया था राइट right आंसर तो बी ऑप्शन मिल गया आपको दूसरा जो है जैक फ्रूट यानी कटल है और तीसरा है वो कौन सा है आपका सुगर केन है गन्ना है आ, फ्लेटिंग आ, फ्लेटनिंग ऑफ आई फ्लेटनिंग ऑफ आई या आंखों का चपटा होना ये पाइन एपल जो है ना उसकी जो आईज होती है वो फ्लैट हो जाती है अभी बताएंगे फोटो में तो ये पाइनेपल की है। है, मेच्योरिटी है। है तो तो अच्छा डिस्कस कर सकते थे लेकिन जैसा मैंने बताया कि आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा कवर करेंगे कच्चे केले में आप देखते हैं कि यहाँ एंगल से बने होते जैसे जैसे ये राइट होता जाता है वैसे वैसे मेच्योरिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे क्या होता है इसके जो एंगल होते हैं वो डिस होते जाते हैं तो आ, जो डिस ऑफ एंगुलरिटी है वो किसकी मैचोरिटी इंडाइसिस है वो बनाना की है वाटरमेलन का मैंने बताया दिया आप चोट मार के देखते हैं और डल साउंड आता है तो समझ लो कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है जो जैक फ्रूट होता है कटल होता है इसमें भी अपने टैपिंग करके देखते हैं और आप जानते हैं ये दोनों फ्रूट इन वर्ल्ड के हेवीएस्ट फ्रूट है मतलब दुनिया के सबसे भारी फल कौन से हैं तरबूज और जैक फ्रूट हैवीएस्ट फ्रूट आपसे पूछ ले तो कौन सा है ये दोनों ही हैवीएस्ट फ्रूट है वाटरमेलन और जैक फ्रूट दुनिया के सबसे भारी फल है यानी इनको वर्ल्ड हैवीएस्ट फ्रूट की जो दर्जा है वो भी दिया गया वर्ल्ड हैवीएस्ट फ्रूट बोला जाता है इनको फ्लैटनिंग ऑफ आई ये किसकी मैच्योरिटी इंडाइसिस मैंने बताया था आपको पाइन एपल की होती है जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ पहुंचता है वैसे वैसे इसकी आई है वो फ्लैट होती जाती है मतलब इतनी ज्यादा चुभती नहीं है और जब ये क्या है

टेस्ट से भी किसकी मैच्योरिटी का पता लगाते हैं एप्पल का पता लगाते हैं आयोडीन टेस्ट से भी किसकी मैच्योरिटी का पता लगाते हैं एप्पल की और भी बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर मेजर है वो बता रहा हूं मैं तो टी स्टेज या फिर आयोडीन टेस्ट एप्पल के लिए जूस कंटेंट सबसे है वो किसके लिए सिट्रस के लिए है ऑयल कंटेंट सबसे इंपोर्टेंट किसके लिए है एवाकार्डो के लिए आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है ना एवा फटाफट बताइए कि एवा को कौन सी सेंचुरी का फ्रूट बोलते हैं एवा को कौन सी सेंचुरी का फ्रूट बोलते हैं और एवाकार्डो और ओनला में बोलने के पीछे क्या डिफरेंस आता है बोलने के पीछे क्या डिफरेंस आता है वो भी बताइए ओनला को क्या बोलते हैं कौन सी सेंचुरी का फ्रूट बोलते हैं और एवोकाडो को कौन सी सेंचुरी का फ्रूट बोलते हैं एक्यूरेट आपको बताना है ठीक है आ, तो ऑयल कंटेंट है वो किसकी मेच्योरिटी इंडाइसेस एवाकार्डो की है टपका और स्पेसिफिक ग्रेविटी है और स्वेलिंग ऑफ शोल्डर है नेचुरल वैक्स है यानी प्राकृतिक वैक्स का बनना कंधों का फूलना स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अधिक सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व और टपका ये किसकी मैच्योरिटी इंडाइसिस है मैंगो की मैच्योरिटी इंडाइसिस है टेपिंग आपको बताई दिया वॉटरमेलन जग फ्रूट और सुगर केन का है नेटिंग आपको बताई दिया मस्क मेलन की है फ्लैटनिंग ऑफ आई है वो किसकी है पाईनेपल की है ठीक है मुझे ये बताओ कि ओनला को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कौन सी सेंचुरी का फ्रूट किस तरह से बोलेंगे फ्रूट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी कौन है फ्रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी ये बता दीजिए फ्रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी जैसे कि मैं एक्यूरेट जैसा बोल रहा हूं ना उस हिसाब से बताइए कि फ्रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी किसे कहते हैं फ्रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी है वो किसे बोला जाता है ये बताइए आप तो फटाफट बताइए फ्रूट ऑफ ट्वेंटी वन सेंचुरी आमला को बोलते हैं ट्वेंटी वन सेंचुरी फ्रूट किसे बोलते हैं बताओ तो अभी ट्वेंटी वन सेंचुरी फ्रूट है वो किसे बोला जाता है फटाफट बताइए ट्वेंटी वन सेंचुरी फ्रूट किसे बोला जाता है को कंफर्म हो पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया ये पीछे भी आप लोगों को बताया है ये एवाकार्डो को और क्या बोलते हैं बटर फ्रूट क्यों बोलते हैं बटर फ्रूट बताओ फेट कंटेंट कितना होता है एवा कार्डो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है फटाफट बताओ एवा कार्डो को बटरफ्रूट बोलते हैं और इसमें फेट का कंटेंट कितना होता है इसमें फेट का कंटेंट कितना होता है फेट का कंटेंट कितना होता है

Supplemented with the the with the 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 germicide and acidified citric acid to to pH 4 5. थोड़ा सा जाता है फिर से उसमें क्या है वापस थोड़ी स्पूर्ति पैदा करने के लिए स्पीति पैदा करने के लिए जो भी हम एक सॉल्यूशन काम में लेते हैं जिसके अंदर जनरली क्या होता है डी वाटर होता है

और उसके अंदर रखते हैं जिससे वो में आ जाता है कहने का मतलब क्या होता है उसका ट्रगर है वो फिर से स्टोर हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है ऑप्शन है आपके सामने कंडीशनिंग कंडीशनिंग को आप हार्डनिंग भी बोलते हैं बी ऑप्शन है इंप्रीगेशन सी ऑप्शन है पल्सिंग और डी ऑप्शन है होल्डिंग चार ऑप्शन है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे बहुत ही रेयर स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे और जो लगातार क्विज देखता है 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 और प्रॉपर पढ़ता भी है, तब क्या है? सही कर पाएगा नहीं तो सही नहीं कर पाएगा हालांकि मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये लेकिन यहां मैं आपको फटाफट चार पांच क्वेश्चन बता देता हूं इसका राइट आंसर तो कंडीशनिंग होगा या हार्डनिंग होगा मुरझाए हुए फूल में फिर से स्पीति पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको कंडीशनिंग बोलते हैं और कंडीशनिंग के लिए जो हम पीएच मेंटेन करते हैं वो चार से पांच और इस पीएच मेंटेन करने के लिए क्या ऐड किया जाता है एसिडिफाइड एजेंट एसिडिफाइड एजेंट है वो ऐड किया जाता है और यहां पे एसिडिफाइड एजेंट कौन सा है 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 सिट्रिक एसिड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए हैं ठीक है? क्या होता इंप्रीगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट जनरली क्या होता है जो कट फ्लावर होता है उसका जो स्टेम होता है वो कई बार ब्लॉक हो जाता है वो ब्लॉक ना हो जाए उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है इंप्रीगेशन कहलाता है पल्सिंग क्या होता है प्री uh, ट्रांसपोर्टेशन या प्री स्टोरेज ट्रीटमेंट होता है प्री ट्रांसपोर्टेशन या प्री स्टोरेज ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं दो से बीस परसेंट तक सुक्रोज का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर कट फ्लावर को रखते हैं उसके अंदर अपने क्या है कट फ्लावर को रखते हैं अब ये सुक्रोज के सॉल्यूशन से क्या फायदा होगा अब जाहिर सी बात है ये कट फ्लावर है जिंदा है जनरली रेस्पाइरेशन कर रहा है फूड का लॉस हो रहा है यानी निश्वसन कर रहा है भोजन का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से ये कमजोर होता जा रहा है हम इसको भोजन देना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट देना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में सुक्रोज दे देते हैं लेकिन आपने सुक्रोज दे दिया तो इसमें जनरली क्या है जर्म्स तो पैदा हो जाएंगे ना सुक्रोज तो जर्म्स का भी भोजन है तो फंगस या और जर्म्स है वो पैदा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे इस स्टेम को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर इसमें मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए पल्सिंग में आप क्या करते हैं सुक्रोज के साथ साथ जर्मी साइड भी एड करते हैं और उसके अंदर फ्लावर्स को रखते हैं उसको पल्सिंग बोलते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्री स्टोरेज प्री ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट है स्टोरेज से पहले और ट्रांसपोर्टेशन से पहले दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट होगा? होगा। होल्डिंग। होल्डिंग जाएंगे, जाएंगे दुकानदार के पास पहुंच जाएंगे कस्टमर से पहले वो किसी के पास है वहां पर वो लोग क्या करते हैं इसको सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि कस्टमर आए तब तक वो फ्रेश बना रहे मुरझा ना जाए कमजोर ना हो जाए पूरा हेल्थी दिखे

टॉपिक है लेकिन मैंने कहा ना आज अपना उद्देश्य एक्सप्लेन करना नहीं है ज्यादा बता दिया जो फ्लावर कंडीशनिंग या हार्डनिंग इसके अंदर हम डी न्यूट्रलाइज वॉटर के अंदर जर्मी और एसिडिफाइड एजेंट के रूप में सिट्रिक एसिड वगैरह डालते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं इसके अंदर कुछ वेटिंग एजेंट के रूप में जैसे मार्केट में आता है ट्विंस के नाम से जो कंडीशनिंग करने के लिए हार्डनिंग करने के लिए मार्केट में जो वेटिंग एजेंट आता है वो कौन सा आता है सॉरी नाम से आता है ट्विन किस नाम से आता है ट्विन ट्विन का ट्रीटमेंट है अपने देते हैं याद रखना है इसको ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं और इसके साथ आप जर्मी साइड भी डाल सकते हैं एस डाल सकते हैं है, वो भी डाल सकते हैं इम्प्रीगेशन मैंने बताया कि स्टेम ब्लॉकेज ना हो जाए उस ब्लॉकेज से बचने के लिए आप जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इंप्रीगेशन। लेकिन इम्प्रीगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इम्प्रीगेशन ट्रीटमेंट में यूज किसका करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं या निकल क्लोराइड है वो यूज करते हैं या कोबाल्ट क्लोराइड है इनका यूज किया जाता है तो इंप्रीगेशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट या निकल क्लोराइड या फिर कोबाल्ट क्लोराइड है इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है और में से मेनली इंप्रीगेशन है ना वो जर्बेरा में कार्नेशन में क्राइसेंथिमम में ग्लेडुलस में इनमें ट्रीटमेंट दिया जाता है फिर से बोल देता हूं ग्लेडुलस क्राइसेंथिमम और जर्बेरा और कार्नेशन के अंदर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है पल्सिंग आपको बता दिया प्री सिपिंग या या फिर प्री या फिर प्री प्री ट्रांसपोर्टेशन बोल दें स्टोरेज ट्रीटमेंट है टू -टू है 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 जिसमें सुक्रोज से लेते हैं साथ साथ में जर्मी साथ जैसे 8HQ है, 8HQS है, 8HQC है, सिल्वर साल्ट सिट्रिक एसिड है, इस तरह के जो जर्मी साइड है वो भी एड कर दिए जाते हैं ताकि फंगस की ग्रोथ न हो जाए या और कोई सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ न हो जाए लेकिन ये प्री सीपिंग प्री ट्रांसपोर्टेशन और प्री स्टोरेज ट्रीटमेंट है होल्डिंग जो होता है वो कहां पे होता है रिटेल लेवल पे यानी आफ्टर शिपिंग होता है आफ्टर आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन होता होता है है स्टोरेज जो ट्रीटमेंट ताकि फ्लावर फ्रेश फ्रेश शानदार बना रहे तो वो ट्रीटमेंट कौन सा कहलाता है होल्डिंग ट्रीटमेंट है वो आपका कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ये कुछ जर्मी साइड है आजकल फ्लावर्स में बहुत पॉपुलर है एक तो कौन सा है एट एच क्यू जिसको आप बोलते हैं एट हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्यूनिलिन सल्फेट और एक होता है एट हाइड्रोक्सी क्यूनिलिन साइट्रेट है ना आपसे तो आप पूछ ले कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके लिए जर्मी साइड ट्रीटमेंट कौन से केमिकल से दिया जाता है ये चार ऊपर वाले सबसे मेन चलते हैं ये चार ऊपर वाले सबसे पॉपुलर है चलते हैं। कितनी कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं आप देखना चाहो तो देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ जीनिया देखो यह जो पीडीएफ है अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर पूरे का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और इसमें मोर देन आपके फोर्टी फिफ्टी क्वेश्चन है, with explanation के साथ, है with explanation के साथ है ठीक है देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीनिया जीनिया का एग्जाम्पल क्या है जीनिया का एग्जाम्पल डेटपीट ऑल ऑफ दिस देखिए जीनिया का जो एग्जाम्पल है वो है आपका मेज जीनिया इफेक्ट किस में देखने को मिलता है मेज के अंदर देखने को मिलता है किसी ने कईयों ने डेट डेट पाम पाम बोला में, में कई देखने को मिलता है डेट पाम में क्या देखने देखने को को मिलता मिलता है है जो जीनिया है ना वो मेज के अंदर देखने को मिलता है हालांकि ये भी बहुत शानदार पॉइंट है इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं जनरली क्या होता है आप सोच के देखें कोई भी फ्रूट है या फिर कोई भी सीड है उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं वो किसके होते हैं हमेशा कोई भी फ्रूट है या कोई भी सीड है कोई भी फ्रूट है कोई भी सीड है उसमें करेक्टर किसके होते हैं फीमेल के मेल के या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट बताओ मेल के फीमेल के या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जो सीड होता है और उसके अलावा जो फ्रूट होता है उस पर करेक्टर किसके होते हैं फीमेल के होते हैं मेल के होते हैं या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं देखो फ्रूट और सीड किसका बॉडी पार्ट है फीमेल का है है ना किसका बॉडी पार्ट है फीमेल का है हमेशा सीड और फ्रूट पे जो करेक्टर होंगे वो हमेशा किसके रहेंगे फीमेल के क्योंकि वो फीमेल का पार्ट होता है आप लोग गलत समझ रहे हैं देखो ये बात ठीक है कि अगली जनरेशन में 50 50 परसेंट करेक्टर होते हैं मेल और फीमेल के लेकिन वो अगली जनरेशन में होते हैं ये तो इसी जनरेशन का सीड है ये तो इसी जनरेशन का सीड है और इसी जनरेशन का क्या है फ्रूट है हाँ इस सीड को उगा दो और उस सीड से जो पौधा निकलेगा ना उस पौधे के अंदर 50 परसेंट मेल के होंगे और 50 परसेंट फीमेल के होंगे अगली जनरेशन में होंगे ना सीधी सी बात है तो फ्रूट है और सीड है अगर उसमें देखें कि साइटोप्लाज्मिक जो सेल है वो किसकी यूज हुई है यहाँ पे साइटोप्लाज्म किसका यूज हुआ है फीमेल का यूज हुआ है भाई तो फ्रूट पे हमेशा जो करेक्टर होते हैं वो फीमेल के होते हैं और सीड है उस पर भी करेक्टर किसके होते हैं फीमेल के होते हैं अगर देखो फ्रूट या सीड पर फ्रूट या सीड पे जो भी फर्टिलाइज बॉडी है ना फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है सीड बनता है भाई और उसके अलावा फ्रूट बनता है तो कोई भी फर्टिलाइज बॉडी है उसके ऊपर अगर पोलन का भी इफेक्ट आ जाए यानी मेल का भी इफेक्ट आ जाए यानी मेरा कहने का मतलब है है सीड 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 और पे, और के, और फ्रूट 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 पे पे के अगर पोलन का का भी भी इफेक्ट इफेक्ट आ आ जाए मेल पेरेंट्स जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं जीनिया और उसे ही क्या बोलते हैं मेटाजीनिया यहां मैं दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो आपको याद करनी पड़ेगी आपके पास कोई इलाज नहीं क्योंकि समझाएंगे तो 20 मिनट यही ले, ले लेता है लेकिन मैं बता देता हूं देखो अगर पोलन का इफेक्ट सीड और फ्रूट पे पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं जीनिया या मेटाजीनिया बोलते हैं ठीक है एंब्रियो सेक के अंदर सेक के अंदर एंडोस्पम्प पर अगर इफेक्ट जाता है एंब्रियो सेक के अंदर अगर एंडोस्पम्प पर इफेक्ट जाता है किस पे एंडोस्पम के ये ये है है, है, है 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 ना ना वो पढ़ते हो आपने पढ़ा होगा कि तीन सेल होती 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 दो इसमें के अंदर अगर effect जाता है, effect जाता है, तो उसको बोला जाता है, जीनिया. क्या बोलते है उसको जीनिया बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं एंडोस्पर्मिक इफेक्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एंडोस्पम क्योंकि इफेक्ट किस पे जा रहा है एंडोस्पर्म पे जा रहा है इसलिए हम इसको एंडोस्पर्मिक इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इनर एम्ब्रियोसेक इफेक्ट भी बोलते हैं इनर एम्ब्रियोसेक इफेक्ट भी बोल देते हैं या एंडोस्पर्म इफेक्ट भी इसको बोल दिया जाता है इसको बोलते हैं जीनिया और जीनिया कभी भी हेरिटेबल नहीं होता है जीनिया कभी भी हेरिटेबल नहीं होता है ध्यान रखना जीनिया कभी भी हेरिटेबल नहीं होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जीनिया इफेक्ट आपको मेज में देखने को मिलता है जिसकी वजह से मेज के जो कुछ सीड होते हैं वो कलर्ड होते हैं यानी एंडोस्पम होता है वो कलर्ड होता है उसकी वजह से आपको ये सीड कैसे दिखते हैं कलर्ड दिखते हैं जीनिया को जीनिया इफेक्ट भी कहा जाता है तो एंडोस्पम्प पर जो पोलन का इफेक्ट जाता है उसी को आप जीनिया बोलते हैं और जीनिया है वो मेटाजीनिया से पहले खोजा गया था जीनिया जो है वो मेटाजीनिया से पहले खोजा गया था और जीनिया के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे वेल्म ओलब्रेस फोके है ना वेल्म ओलब्रेस फोके थे जिन्होंने अठारह के अंदर जीनिया बताया था नेक्स्ट मैं बात करूं स्टूडेंट मेटाजीनिया देखो मेटाजीनिया क्या होता है मेटाजीनिया में जनरली ये जो एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक है इस एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक से क्या होता है इफेक्ट है वो बाहर जाता है देखो होता क्या है पोलन है वो फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं अगर उसका इफेक्ट इस एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक के अंदर एंडोस्पम्पर ही पड़ जाता है तो उसको तो आपने बोल दिया जीनिया और अगर इसका इफेक्ट पड़ता है एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक के बाहर है ना एक्सटर्नल एम्ब्रियो इफेक्ट है ये एक्सटर्नल एम्ब्रियो इफेक्ट है अगर इस एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक के बाहर इफेक्ट पड़ता है अब बाहर क्या हो सकता है भाई जो सीड है या फिर मैं बोलूं कि ये हम बात कर रहे थे ओव्यूल की बीजांड की अब ये सीड बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद तो अब इस सीड के बाहर का हिस्सा क्या है एक तो सीड कोट है और दूसरा पेरी कारप यानी फ्रूट है पेरी कारप यानी फ्रूट है तो जब क्या है कि पोलन का इफेक्ट सीड कोट पे या फ्रूट पे पड़ता है सीड कोट पे या फ्रूट पे पड़ता है यानी आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियोसेक पड़ता है तो उसको मेटाजीनिया बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको मेटाजीनिया बोलेंगे और यह है वो हेरिडिटिकल करेक्टर है कैसा है हेरिडिटिकल यानी ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है यानी एक वंशागत होता है और मेटाजीनिया आपको डेट पाम खजूर में तो देखने को मिलता ही मिलता है इसके अलावा कुकर बिट्स में और कुकर बिट्स में पर्टिकुलरली अगर अपने बात करें कुकुम्बर यानी खीरे में और बोटल गार्ड के अंदर कॉमन देखने को मिलता है इवन कुछ साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि जो कुकुम्बर है और बोटल गार्ड है उसकी जो बिटरनेस होती है जो बिटरनेस होती है वो भी किसके कारण होती है मेटाजीनिया के कारण होती है कुकुम्बर और बोटल गार्ड यानी खीरा और लौकी का जो बिटरनेस है वो भी मेटाजीनिया के कारण देखने को मिलता है और मेटाजीनिया जो इफेक्ट है वो किसने दिया था स्विंगल ने दिया था कब दिया था 1928 में दिया था मेटाजीनिया स्विंगल ने दिया था 1928 सौ अट्ठाइस कहा ना मेटाजीनिया बाद में आया था जीनिया अठारह में फोके ने दे दिया था लेकिन स्विंगल ने जो मेटाजीनिया वो 1928 में दिया था नेक्स्ट अनियन इज मॉडिफिकेशन और प्याज किसका रूपांतरण है बताइए अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है फटाफट बताइए भाई अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है जल्दी जल्दी मैं इस पे इसलिए रुका हूं कि देखना चाहता हूं कि इतने आसान क्वेश्चन आपको आता है क्या अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है ध्यान रहे देखो लीफ स्टेम, रूट, A and B या फिर e, A, B, C, है ना? मतलब कौन सा है स्लीप, स्टेम, रूट, या फिर ये दोनों या फिर ये तीनों बताइए कौन सा राइट होगा देखो गौर करिएगा अनियन और गार्लिक और उसके अलावा ट्यूबरो होता है उसका बल्ब एक जैसा ही मोडिफिकेशन होता है प्याज तो आपने देखा ही है सलाद में भी खाते हैं देखो ये तो है रूट नीचे वाली ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो रूट तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा एक ऑप्शन तो आपका गया अब देखो ये है स्टेम स्टेम यहां पर मॉडिफाई हो गया ये स्टेम मॉडिफाई हो गया भाई स्टेम मॉडिफिकेशन है बिल्कुल और ये है लीफ मॉडिफाई होगी लीफ के अंदर क्या हो गया फूड स्टोर हो गया इसके लिए वो थोड़ी क्या हो गई लेदरी टाइप की हो गई है तो लीफ और स्टेम का मॉडिफिकेशन है अनियन है वो किसका मॉडिफिकेशन है लीफ और स्टेम ये जो सलक दिख रहे हैं ना आपको ये तो लीफ है और ये वाला भाग कौन सा है स्टेम तो अनियन लीफ एंड स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन होता है लेकिन आप कौन सा भाग खाते हो ये तो खाते ही नहीं हो आप खाते कौन सा अनियन में जो एडिबल पार्ट होता है खाने योग्य भाग होता है वो ओनली मॉडिफाइड लीफ होता है मॉडिफिकेशन किसका है लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है लेकिन जो एडिबल पार्ट है खाने योग्य भाग है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड लीफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मॉडिफाइड लीफ होता है ठीक है तो आपसे एडिबल नहीं पूछा है यहां आपसे पूछा है किसका modification है, तो राइट B, modification है। किसका तो आपका आएगा, यानी का आपसे पूछ ले कि अन्यन में खाया कौन सा भाग जाता है तो फिर आप बोल देते मॉडिफाइड लीप खाते हैं, यानी रूपांतरित पत्तियां हैं उनको खाया जाता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बात करें सीड रेट ऑफ द हाइब्रिड टोमेटो हाइब्रिड टोमेटो की सीड रेट क्या है यानी संकर टमाटर है उसकी बीज दर क्या है देखिए पहला ऑप्शन है 125 से 150 ग्राम बी ऑप्शन है 200 ग्राम सी ऑप्शन है 200 से 250 ग्राम डी ऑप्शन है 400 से 500 ग्राम और ई e ऑप्शन है 250 से 300 ग्राम फटाफट बताइए टोमेटो की हाइब्रिड टोमेटो की सीड रेट क्या होती है देखिए ये चार सौ से पांच सौ ग्राम तो जो देसी टमाटर होते हैं उनकी बीज दर है चार से पांच ग्राम है ये तो देसी टमाटर की बीज दर होती है देसी टमाटर की बीज दर होती है फिर हम बात करें ये ऑप्शन है ये, किसके है भाई? ये मिर्च की है। किसकी दर है होती है 250 से 300 ग्राम होती है 200 से 250 ग्राम किसकी सीड रेट है चिल्ली हाइब्रिड चिल्ली की सीड रेट है किसकी है ये हाइब्रिड चिल्ली की दो से अढ़ाई ग्राम प्रति हेक्टर हाइब्रिड चिल्ली की है वैसे तो चिल्ली की कितनी होती है एक से डेढ़ किलो होती है भाई जो देसी मिर्च है उसकी जो सीड रेट होती है वो एक से डेढ़ किलो होती है और हाइब्रिड मिर्च है उसकी सीड रेट कितनी होती है 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है 200 ग्राम ब्रिंजल हाइब्रिड ब्रिंजल की सीड रेट है हाइब्रिड ब्रिंजल की सीड रेट कितनी है 200 ग्राम है हाइब्रिड की बात कर रहा हूं देसी ब्रिंजल की आप बता दीजिए सिंपल है देखो हाइब्रिड ब्रिंजल है उसकी सीड रेट दो ग्राम है आप देसी की बता दीजिए और जो हाइब्रिड टोमेटो होता है देसी की तो बता दिए 400 से 500 ग्राम है जो हाइब्रिड टोमेटो होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है 125 से 150 ग्राम होती है कितनी होती है 125 से 150 ग्राम राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है है मैंने आपसे पूछा है कि जो देसी बैंगन होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है देसी बैंगन होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है चलिए नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द प्लांट आर एट डे न्यूट्रल इनमें से कौन सा ग्रुप है वो डे न्यूट्रल है पहला ऑप्शन है आपके पास क्लस्टर बीन यानी बोले तो अः ग्वार जिसको बोलते हैं और उसके अलावा बात करें तो लीमा बीन सारे एग्जांपल अच्छे से देख लेना डोलीचस बीन और इंडियन पालक है स्वीट पोटेटो है सकरगंद है ये सब एग्जांपल है दूसरा है पोटेटो यानी आलू अनियन यानी प्याज गार्लिक यानी लहसुन कोल क्रॉप यानी गोभी वर्गीय सब्जियां केरट यानी गाजर रेडिस यानी मूली स्पीन यानी विलायती पालक सुगर बीट चुकंदर टर्नी सी ग्रुप है टोमेटो ब्रिंजल चिल्ली ओकरा कुकुम्बर टमाटर बैंगन मिर्च और भिंडी और कुकर बिट्स और डी ऑप्शन है ऑफ दीज इनमें से आपसे डे न्यूट्रल ग्रुप पूछा है कि दिवस निष्प्रभावी ग्रुप कौन सा है देखिए पक्का आपका आंसर ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन था ये आ, जो डे न्यूट्रल का ग्रुप है वो टमाटर ब्रिंजल चिल्ली ओकरा और कुकुम्बर का है है ना टमाटर ब्रिंजल चिल्ली ओकरा और कुकुम्बर है ये डे न्यूट्रल है इसके अलावा एक आपकी वेजिटेबल पी है वो भी कैसी है डे न्यूट्रल है मटर है वो भी कैसा है डे न्यूट्रल है भाई ठीक है और ये ऊपर वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर क्लस्टर बीन आता है लिंबा बीन आता है डोलीचस बीन आता है और इसमें मूंग भी आ जाता है मोठ भी आ जाता है उड़द भी आ जाता है उसके अलावा इंडियन पालक और स्वीट पोटेटो ये डे प्लांट है ये कैसे हैं डे प्लांट है ध्यान रखिए देसी पालक डे दे है और विलायती पालक जिसको आप स्पिनच बोलते हैं वो लॉन्ग डे होती है देसी पालक होती है वो डे होती है और विलायती पालक होती है वो लॉन्ग डे होती है देसी पालक और विलायती पालक में डिफरेंस पता है क्या आपको और पालक है मोस्ट ऑफ सारी नहीं मोस्ट ऑफ है वो कौन सी है लॉन्ग डे प्लांट है मोस्ट ऑफ सर्दियों में उगाई जाने वाली रबी में देखो मोस्ट ऑफ रबी की फसलें ही लॉन्ग डे प्लांट होती है रबी की फसलें ही लॉन्ग डे प्लांट होती है खरीफ की कौन सी होती है सोडे

चलिए अगला क्वेश्चन हाँ देखो क्वेश्चन से पहले हम पालक की बात कर रहे थे जो देसी पालक होती है ना उसको आप इंडियन स्पिनच बोल देते हैं या स्पिनच बीट बोल देते हैं या बीट लीप बोल देते हैं या देसी पालक बोल देते हैं बिट्टा वलगेरिसरायटी बेंगाल इसका वैज्ञानिक नाम है और इसमें गुणसूत्र संख्या अठारह होती है वहीं पे विलायती पालक जो होती है उसको स्पिनच या विलायती पालक बोल देते हो ये स्पीने का ओलेरेसिया है जीनस ही बदल गया इसका वंश ही बदल गया स्पिने का ओलेरेसिया है गुणसूत्र देसी में होते हैं और अगर हम बात करें देसी पालक देसी पालक के अंदर हमेशा बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बाय हर्माफ्लोरिडेट नेचर की होती है आपको पता हो तो वहीं पे जो विलायती पालक होती है ये तो डायोसियस नेचर की होती है विलायती पालक होती है कैसे नेचर की होती है डायोसियस होती है मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होते नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर देखने को मिलते हैं देसी पालक अधिक तापमान सहन कर लेती है आप इसे वर्षा ऋतु से ही लगा सकते हैं और सर्दियों में भी लगा सकते हैं विलायती पालक सिर्फ और सिर्फ क्या है सर्दियों के अंदर लगती है और ज्यादा डिफरेंस तो अपने यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे इतना अपने पास टाइम नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीआर यूज इन कुकर बिट्स फॉर द मेल फ्लावर इनिशिएशन देखो कुकर बिट्स जो होते हैं कुकर बिट्स बोले तो कद्दू वर्गीय सब्जियां ये मोनोसियस नेचर के होते हैं मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प का अलग अलग स्थान पर पाया जाना मेल एंड फीमेल फ्लावर लोकेटेड एट सेम एंड डिफरेंट लोकेशन यानी जो नर व मादा पुष्प होते हैं एक ही बेल पे अलग अलग लोकेशन पे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मोनोसियस या फिर द्विलिंगी बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ जो आपके कुकर बीड्स है वो कैसे नेचर के मोनोसियस है द्विलिंगी है सिर्फ तीन कुकर बीड्स है जो कैसे नेचर के होते हैं डायोसियस यानी एकलिंगी होते हैं डायोसियस यानी एकलिंगी स्वभाव के होते हैं कौन कौन से होते हैं एक तो होता है जी पॉइंटेड गार्ड आपका ठीक है दूसरा होता है जिसको आप बोलते हैं ईवी गार्ड या काक्रोल। क्या बोलते हैं ईवी गार्ड या काक्रोल। तीसरा होता है आपका स्पाइन गार्ड या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं एक तो स्पाइन गार्ड बोल सकते हैं उसको या फिर आप उसको स्कर्लेट गार्ड भी बोलते हैं Spine guard या Scarlet guard बोलते हैं। तो तीन ऐसे गार्ड जिसको काकरोल बोलते हैं तीसरा स्पाइन गार्ड जिसको आप और क्या बोलते हैं स्कर्लेट गार्ड बोलते हैं ये तीन कुकर बिट्स कैसे नेचर के हैं ये डायोसियस नेचर के होते हैं यानी एक लिंगी स्वभाव के बाकी सारे कुकर बिट्स मोनोसियस होते हैं तो अब इनमें क्या होता है कि फीमेल फ्लावर ज्यादा आ जाएंगे तो बिना पोलन के उनमें फल कैसे बनेगा है ना और अगर मेल फ्लावर आ जाएंगे तो मेल तो प्रोडक्ट होता ही नहीं बिना फीमेल फिर प्रोडक्शन कैसे होगा इसलिए कुकुर बीट्स में थ्री रेशो वन में फीमेल और मेल फ्लावर होने चाहिए ये रेशो सबसे स्टैंडर्ड है टू चलेगा टू चलेगा यानी दो से तीन चलता है लेकिन सबसे बेहतरीन कौन सा होता है थ्री होता है अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है नाइट्रोजन आपने ज्यादा दे दिए दिन लंबे हो गए तो मेल फ्लावर आने के चांसेस है दिन छोटे हो गए तापमान कम है

तो नर फूलों को प्रेरित करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट भी दिया जाता है सिल्वर थायोसल्फेट भी दिया जाता है और जिब्रेलिक एसिड भी दिया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज होगा इनमें से कोई सा भी पीजीआर का अगर आप कुकर बिट्स पे स्प्रे करते हैं तो उसमें मेल फ्लावर इंडक्शन है वो क्या होगा ज्यादा होगा नर पुष्प है वो ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं इन तीनों का ही नर पुष्प को प्रेरित करने के लिए काम में लेते हैं आपको पता है सिल्वर थायोसल्फेट जो है ये एंटी इथिलिन हार्मोन है सिल्वर थायोसल्फेट है ये एंटी इथिलीन हार्मोन है अगर आपको पता है नहीं पता है तो नोट कर लो सोच क्या रहे हो सिल्वर थायोसल्फेट है ये एंटी इथिलीन हार्मोन है और इथिलीन एब्जोर्बर कौन सा है इथिलीन एब्जोर्बर कौन सा है बताओ भाई इथिलीन एब्जोर्बर कौन सा है इथिलीन एब्जोर्बर बताओ आप में से कोई जानता है क्या जब फूलों की इधर उधर पैकिंग करके भेजा जाता है ना डिब्बे तो उनके अंदर इथिलीन एब्जॉर्बर डाला जाता है फ्लावर्स जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन जब होता है ना तो इनके जो कार्बोरेटेड फाइबर बॉक्स जिनको आप कार्टून बोलते हैं तो उनके अंदर वो आ, इथिलीन एब्जॉर्बर डाला जाता ताकि फ्लावर है वो खराब ना हो जाए जानते हो कौन सा है पोटेशियम प्रग्मनेट कौन सा है पोटेशियम प्रगमनेट जिसको आप के एम एन ओफोर बोलते हो क्या बोलते हो के एम एन ओफोर तो मेल जो फ्लावर है कुकर बिट्स में वो सिल्वर नाइट्रेट से आते हैं सिल्वर थायोसल्फेट से आते हैं और जिब्रेलिक एसिड से वहीं पे अपने देखें फीमेल फ्लावर की बात करें फीमेल फ्लावर की बात करें फीमेल फ्लावर जो आएंगे वो आएंगे मेलिक हाइड्रोजाइड के स्प्रे से

कि जो जिंजर होती है यानी अदरक जो होती है उसको हम सुखा कर क्या बनाते हैं सौंठ बनाते हैं इसको सौंठ बोलते हैं ना देसी भाषा के अंदर और इसके अलावा आप इसको ड्राई जिंजर भी बोलते हैं तो आप फ्रेश जिंजर को सुखा लेते हैं उससे ड्राई जिंजर कितना मिल जाएगा है ना बताओ ड्राई जिंजर कितना मिलेगा फ्रेश जिंजर से ड्राई जिंजर आपको मिलता है 16 से 25 परसंट. कितना मिलता है 16 टू 25 परसंट. 16 से 25 परसेंट मिलता है क्या क्या होगा? A है, वो राइट होगा। है है? वाले तो इसको रट लीजिए काम आएगा। Next, अपने बात करें अगले के लिए। Epical is Epical क्या होती देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं स्कूग व मिलर ने दी होगी दी है स्कूग और मिलर ने दी है इसमें क्या होता है शीर्ष प्रभाविता यानी जो पौधे का शीर्ष होता है उसमें कोई हार्मोन है इनमें से चारों में से कोई सा है भाई है ना तो ये जनरली क्या है इनमें से कोई हार्मोन है जिसकी वजह से ये पौधा लंबा बढ़ता जाता है और साइड में शाखाएं नहीं निकलती है साइडों में शाखा नहीं निकलेगी पौधा लंबा लंबा होता जाएगा शीर्ष ही प्रधान हो जाएगा एपिकल ही डोमिनेंट हो जाएगा इस भाग को सिर्फ भाग को एपिकली तो बोलते हैं ना एपिलरी या बोलते हैं तो ये शीर्ष भाग है ये ऊपर ही ऊपर मतलब बढ़ता जाएगा साइडों में शाखा नहीं आ पाएगी पौधा ज्यादा फैल नहीं पाएगा ज्यादा फैल नहीं पाएगा तो ज्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगा तो इसको आप क्या बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी शीर्ष प्रभावित जो स्कूग और मिलर ने खोजा था सॉरी स्कूग और मिलर ने स्कूग और थी मैने स्कूग और थी मैने सॉरी स्कूग और थी मैने स्कूग और, और मिलर ने तो आपको पता हो तो साइटोकाइनिन खोजा था स्कूग और मिलर दोनों ने तो मिलकर साइटोकाइनिन खोजा था अः ये जो आ, एपिकल डोमिनेंसी है, ये स्कूग और थीमेन ने दी थी स्कूग और थीमेन थीमेन वही भाई साहब है जिन्होंने पीजीआर को फाइटो हार्मोन बोला था पादप हार्मोन बोला था

एपिकल डोमिनेंसी का विरोध कौन करता है यानी साइडो में शाखाएं ज्यादा कौन प्रेरित करता है साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंसी का विरोध पूछ लेते आपसे तो विरोध कौन करता है साइटोकाइनिन करता है एपिकल डोमिनेंसी का जो विरोध करेगा वो हमेशा साइटोकाइनिन और साइडो में शाखाएं ज्यादा कौन प्रेरित करेगा साइटोकाइनिन ऑक्सिन से पौधा लंबा बढ़ता है साइटोकाइनिन से शाखाएं ज्यादा आती है तो जनरली एपिकल डोमिनेंसी का अपोजिशन कौन करेगा हमेशा साइटोकाइनिन करेगा विच हार्मोन वर्क एज द एंटी ऑक्सीजन हार्मोन और भाई एंटी ऑक्सीजन हार्मोन कैसे कहाँ पे काम में लेना है अब आप देखते हो सरसों के अंदर देखते हो चने में देखते हो लूज फ्लावर में देखते हो टोबेको में देखते हो कॉटन में देखते हो शीर्ष लंबा होता जाता है साइडों में शाखाएं कम आती है उत्पादन कम मिलता है अब हमें एक एक पौधे के शीर्ष को जाकर तोड़ना पड़ता है एक एक शीर्ष को जाके तोड़ते हो तो उसमें चने में यानी चिकपी के अंदर आप क्या बोल देते हैं निपिंग बोल देते हैं है ना चुटाई बोल देते हैं सरसों में टॉपिंग या टिपिंग बोल देते हैं कॉटन में टॉपिंग या टिपिंग बोल देते हैं ठीक है और जो लूज फ्लावर होता है उनके अंदर आप पिंचिंग बोल देते हैं एक एक पौधे में फिर क्या है ये काम करना मुश्किल है इससे अच्छा हम ऐसे केमिकल लाएं जो ऑक्सीजन का विरोध करते हो का उनका छिड़काव कर देंगे तो ऑक्सीजन में बनेगा नहीं ऑक्सीजन में बनेगा नहीं तो आ जाएगी क्योंकि का जाएगा, तो साइडों में हैं आएगी। इसलिए एंटी ऑक्सीजन uh, का पता होना बहुत जरूरी है एंटी ऑक्सीजन का पता होना बहुत जरूरी है तो एंटी ऑक्सीजन कौन सा है टीबा टू थ्री फाइव ट्राइ आइडोबेंजोक एसिड है क्या एनपीए एनपीए बोले तो वन नेप्टाइल पैथलेमिक एसिड है ना वन नेप्टाइल वन एन नेप्टाइल पेथेलेमिक एसिड और सी ऑप्शन है आपका ये है क्या बताओ भाई पीसीआईबी पीसीआईबी की प्रॉब्लम होती है पी क्लोरो आइसोब्यूटारिक एसिड ये है क्या ये सारे हैं बताइए राइट आंसर क्या होगा देखो ऑल ऑफ दिज ये सारे के सारे एंटी हार्मोन हारमोन है इनका उपयोग कर आप निपिंग से बच सकते हैं और फ्लावर में द्वारा कर सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा केमिकल टॉपिंग टिपिंग करने वाला जो एंटी ऑक्जिन हारमोन है वो टीबा है कौन सा है टीबा है सबसे ज्यादा जिसका उपयोग मतलब केमिकल

पिंचिंग मेरी गोल्ड में नहीं लगभग सभी लूज फ्लावर में की जाती है में बहुत देखने को मिलती है राइट right आंसर क्या होगा इसका बताइए फटाफट जिसको तुक्का मारना है वो तुक्का मारिए है ना जिसको सही आंसर देना है वो सही आंसर दीजिए फटाफट बताइए क्या होगा इतना टाइम अपने को नहीं लेना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है हम हमारे बीएससी में भी हमको नाम लिखने पड़ते हैं पांच एनुअल के लिखो पांच पांच समर सीजन एनुअल के पांच विंटर सीजन एनुअल के पांच स्प्रिंग सीजन एनुअल्स के तो अब मुझे पता है तुक्के मारेंगे ये सारे के सारे के जो मैंने यहाँ पर पांच नाम दिए विंटर सीजन एनुअल है इनमें से कोई सा भी समर सीजन एनुअल है ही नहीं तो राइट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन होगा राइट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन है ये सारे के सारे जो एनुअल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे विंटर सीजन एनुअल है ठीक है विंटर सीजन एनुअल है और अगर हमें जानना है कि समर सीजन एनुअल कौन कौन से हैं तो नाम आपको याद होने चाहिए पोर्चुलिका समर सीजन एनुअल है उसके अलावा टिथोनिया गेलार्डिया सनफ्लावर कोसमोस गिना और कॉपसिस ये सारे के सारे क्या है समर सीजन एनुअल है कॉस्मोस था क्या अपने ऑप्शन में भाई राइट तो नहीं हो गया

और उसके अलावा हम बात करें टोर्निया है और गॉम्फ्रीना है ये रेनी सीजन में याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बालसम कॉक्सकॉम एमरेंथस एमरेडिया टोनिया और गॉम्फेरिना और विंटर सीजन में कौन कौन से आते हैं विंटर सीजन में आपके आते हैं एक्रोक्लाइमस एनुअल डहलिया कोसमोस हेलोक्राइसम होली ओक आइस प्लांट और भी बहुत है सबसे ज्यादा तो है ही विंटर सीजन एनुअल दुनिया भर के विंटर सीजन एनुअल है फैमिली ऑफ द कार्डिमम कार्डिमम का कुल कौन सा है बताओ भाई कार्डिमम का कुल कौन सा है कार्डिमम का कुल कौन सा है कार्डिम का नहीं देखा इलाइची का आपको ही पता ब्लैक पेपर की फैमिली है जिंजर बीरेसी टर्मरिक की है जिंजर की है यानी हल्दी की है अदरक की प्लस कार्डिमम की भी है कार्डिमम इलायची की भी है राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन है वो राइट होगा

मिर्टिय मिट्टीसी की बात करें तो इसमें एक तो आपका क्लोव आ जाएगा स्पाइसेस में बात कर रहा हूं सिर्फ क्लोव आ जाएगा उसके अलावा नट में जायफल फ्रूट में देखोगे तो आपको मिर्टेशी में देखने को मिलेगा अमरूद है वो देखने को मिलता है अः यानी गुआवा देखने को मिलता है और जामुन देखने को मिलता है ओल्ड स्पाइसेज है वो भी आपको जमाइका जिसको आप बोलते हैं ना तो मतलब मिटेशी में ओल्ड स्पाइसेज भी आता है और उसके अलावा क्लो भी आता है और उसके अलावा मैंने कौन सा बताया नटमेग भी आता है फ्रूट में गुआ भी आता है और उसके अलावा जो जामुन है वो भी आता है बट आपसे कार्डिमम का पूछा गया तो कार्डिमम का राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बढ़े अगला क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन हेज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है जंगल की ज्वाला के रूप में कौन से पौधे को जाना जाता है जंगल की ज्वाला के रूप में कौन से पौधे को जाना जाता है ऑप्शन है आपके पास प्लास बी ऑप्शन है टीक सी ऑप्शन है पीपल और डी ट्री। ऑप्शन ट्री तो है, है।, है, है? तो है धार्मिक पेड़ फाइकस रिलीजोसा बनियान ट्री क्या है फाइकस बेंगाल एंसिस है नेशनल ट्री है ना पीपल फाइकस रिलीजोसा है ये क्या है रिलीजियस ट्री है इंडिया का उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसको बौद्धिस्ट ट्री भी बोलते हैं भगवान बुद्ध का भी पेड़ बोलते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे हुई इसलिए इसको बोधिस्ट्री और उसके अलावा इसको इनलाइनमेंट्री यानी ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है पीपल को टीक है इसको किंग ऑफ टिबर कहते हैं टीक जो है इसको किंग ऑफ टिम्बर बोलते हैं टिक्टोना ग्रांडिस टिक्टोना ग्रांडिस कौन सी फैम, फैमिली से है मिंट फैमिली से बिलोंग करता है और जो प्लास है इसको आप बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट है ना जंगल की ज्वाला बोलते हैं क्यों बोलते हैं जंगल की ज्वाला वो आप देखिए ये देखिए अप्रैल से जून के बीच में जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है मतलब समर होता, होता है उसमें क्या होता है? की चुकी होती है। सिर्फ ढाक या फ्लावरिंग आते है, खतरनाक फ्लावर आते है। और फ्लावर का जो कलर होता है वो ज्वाला जैसा होता है तो आप दूर से अगर आप किसी जंगल को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उसमें ज्वाला है, है ना मतलब आग लगी हुई है इसलिए इसको क्या बोला जाता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है किसको प्लास या ढाक को बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगला क्वेश्चन है पीच लीफ करल इज कॉज बाय देखो जो आड़ू है उसका पत्ती मोड़क जो रोग है वो किसके कारण होता है बताइए टीक सागोन को नहीं बोलते सागोन अलग है टीक अलग है नहीं भाई सागोन भी यही है टिक्टोना ग्रांडीसी हाँ यही है यही होगा टिक्टोना ग्रांडीसी सागोन यही होता है लेमियसी फैमिली का है ना सागोन भी यही है है चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका सागोन को ही टिक बोलते हैं टिक भी तो ये टिकटोना ग्रांडीसी सागोन भी तो टिक्टोना ग्रांडीसी एक ही बोलते हैं फैमिली मिंट फैमिली से बिलोंग करता है पीच लिप बाय पीज का जो लीफ करल है देखो वैसे तो लीफ करल पौधों में वायरस से होता है सफेद मक्खी से फैलता है लेकिन मिर्च में थ्रिप से फैलता है मिर्च में पहले थ्रिप से और उसके बाद सफेद मक्खी से है ना लेकिन मुख्य रूप से सभी पौधों में तो लिप करल जो लिप करल डिजीज है वो वायरस से होता है सभी पौधों में लिप करल वायरल डिजीज है और व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी से फैलता है लेकिन मिर्च के अंदर है तो वायरल डिजीज ही लेकिन ज्यादा किससे फैलता है थ्रिप से और उसके बाद किससे फैलता है व्हाइट फ्लाई से तो मतलब आपसे पूछ ले किससे फैलता है तो आप बोलोगे थ्रिप से फैलता है लेकिन आडू के अंदर जो लीफ करल होता है पीच लीफ करल जिसको आप बोलते हैं वो एक फंगल डिजीज है कौन सा डिजीज है वो एक फंगल डिजीज है आडू के अंदर जो लीफ करल होता है वो कैसा डिजीज होता है एक फंगल डिजीज होता है ध्यान रखिएगा ठीक है कौन से फंगस की वजह से होता है और सिम्टम कैसे होते हैं वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो देखो टेफरीना डिफॉर्मेट

और जो मिर्च का लिप करल है वो काफी रहता है। लेकिन फैलता है सो परसेंट उसी से फैलता है वो सबसे ज्यादा उससे फैलता है कई कारण होते हैं उसके फैलने के ये नहीं कि व्हाइट फ्लाई बोल दिया तो सौ परसेंट व्हाइट फ्लाई ऐसा नहीं होता दूसरे इंसेक्ट से भी फैलता है ठीक है सीड से भी फैल सकता है कई कारण उसके बन सकते हैं लेकिन मेजर जो रीजन होता है ना

कोई सीड अगर फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है तो विविपरी आप मुझे बताते हैं बता सकते हैं किस टाइप के हैबिटेंट के जो प्लांट होते हैं उनमें विविपरी देखने को मिलते हैं किस नेचर के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको विविपरी है वो देखने को मिलती है किस नेचर के जो प्लांट होते हैं ये तो विविपरी तो आपको टोमेटो में दिख रही है लेकिन टोमेटो ऑप्शन में नहीं है भाई साहब आपने आंसर दिया है ना सौरभ सिंह टोमेटो तो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में तो आपके गुआवा है जैक फ्रूट है बेर है बिल है कई बार यहाँ पीपीटी पे गलती हो जाती है आंसर आ जाता है साथ में आप उसको आंसर बोल देते हो लेकिन नहीं है ऐसा परी अगर फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है तो उसको वीवी परी बोलते हैं और विवीपरी परी हेलोफाइट्स में लवणोद्भिद में देखने को मिलती है किसमें ज्यादातर हेलोफाइट्स या लवनोदिद में मेनली देखने को मिलती है लेकिन इन दिए गए एग्जाम्पल में जैक फ्रूट में है इन दिए गए एग्जाम्पल में किसमें देखने को मिलती है जैक फ्रूट में देखने को मिलती है और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो स्ट्रॉबेरी में भी देखने को मिल जाती है टमाटर आपने फोटो अभी पेपर के अंदर मिर्च में भी देखने को मिल जाता है पंपकिन एवा में भी देखने को मिल जाता है और सिट्रस के अंदर भी देखने को मिल जाता है ठीक है तो यहाँ इन दिए गए ऑप्शन में से आपको जैक फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रूट ऑफ द पलमीरा पाम इज आल्सो नॉन एज पलमीरा पाम के फल से किस पलमीरा पाम के फल को किस नाम से जाना जाता है देखिए स्टूडेंट जो पलमीरा पाम होता है इसका जो उपयोग होता है वो जनरली क्या होता है नीरा बेवरेज बनाने के काम में लिया जाता है नीरा बेवरेज बनाने के काम में लिया जाता है और इसके अलावा टोडी या जिसको लोकल में ताड़ी बोलते हैं तो ताड़ी शराब कर बनाने के काम में भी लिया जाता है ठीक है जनरली uh, जो ताड़ी है टोडी है वो किससे बनती है वो एक तो कोकोनट नारियल से बनती है और दूसरा पलमीरा पाम से बनती है एक तो नारियल से बनती है एक पलमीरा पाम से टोडी ताड़ी उसके अलावा नीरा बेवरेज भी बनता है जो पलमीरा पाम है ना इससे नीरा बेवरेज है वो भी तैयार किया जाता है तो अब बताइए कि ये जो फ्रूट पड़ा है सामने पलमीरा पाम का इसको क्या बोलते हैं नुंगू बोलते हैं आइस एप्पल बोलते हैं दोनों ही बात बोल देते हैं इनमें से कोई से भी नहीं बोलते हैं दोनों ही बोलते हैं भाई इसको नुंगू भी बोलते हैं और क्या बोला जाता है आइस एप्पल है वो भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें आगे अपने अगला क्वेश्चन है जहरीला मशरूम है पॉइजनस मशरूम है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे पॉइजनस मशरूम कौन सा है पहला है एमनीटा फेलॉइडस दूसरा है वॉलविरेला बॉम्बेसियाना तीसरा ऑप्शन है एग्रीकस और चौथा ऑप्शन है एरिकुलेरिया बताओ इनमें से पॉइजनस कौन सी है जिसको आप डेथ कैप मशरूम भी कहते हैं तो ये डेथ कैप मशरूम कौन सी है आपकी एमिनेटिया फेलोइडस है विश्व की सबसे जहरीली मशरूम है विश्व की सबसे पॉइजनस जो मशरूम है वो कौन सी है एमिनेटिया फेलोइडस है एमिनेटिया फ... एमिनेटिया फेलोइडस है औरों के बारे में भी बात कर लेते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम है आप लोगों के ऐसा क्यों भाई क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है क्या दुनिया की सबसे जहरीली मशरूम पूरे विश्व की किडनी और लिवर, लिवर को डिग्रेड कर देती है खत्म कर देती है मृत्यु तक का कारण बन जाती है किस पे इंफेक्शन करती है किस पे अटैक करती है लीवर पे और किडनी पर अटैक करती है ध्यान रखिएगा दूसरा मशरूम है वोलविरेला बॉम्बेसियाना जिसको आप सिल्की बोलते हैं या सिल्की रोसिल बोलते हैं या सिल्वर सिल्क स्ट्रॉ मशरूम भी बोल देते हैं इसको ठीक है को एडिबल है दूसरा एग्रीकस जिसको आप फिल्ड मशरूम भी बोलते हैं हॉर्स मशरूम भी बोलते हैं पिंक बटन मशरूम भी बोल देते हैं और उसके अलावा लेयर्स विंग मशरूम भी कह देते हैं बटन मशरूम काफी पॉपुलर है एरिकुलेरिया एरिकुलेरिया जो कान जैसी होती है ना इसको वुड बोलते हैं ट्री एर भी बोलते हैं उसके ट्री एयर मशरूम भी बोलते हैं क्लाउड एयर मशरूम भी बोलते हैं और उसके अलावा जड्स एयर मशरूम भी इसको कहा जाता है ये कान जैसे दिखती है इसलिए एयर वर्ड है है वो यूज हो रहा ठीक है।, है बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आर्टिफिशियल पोलिनेशन इज फॉलोड इन कृत्रिम रूप से प्रागण किसमें किया जाता है ये तो थोड़े से दिन पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था आर्टिफिशियल पोलिनेशन किसमें किया जाता है बताइए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो किसमें किया जाता है डेट पाम में भी करते हैं और किसने स्टार्ट किया था वेविलोन ने स्टार्ट किया था जिसको हैंड पॉलिनेशन भी बोलते हैं ना सनफ्लावर के अंदर भी किया जाता है और उसके अलावा जो वनीला है उसमें भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है तीनों में ही आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है डी ऑप्शन इसका राइट होगा वनीला का कुल कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है वनीला एक ऑर्किड है ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली है वो है। सबसे बड़ी कौन सी कंपोजिटी है, है। ना

बिल्कुल ठीक है आप सबका आंसर श्रीलंका से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है और श्रीलंका के अंदर ये बहुत खतरनाक भी साबित हुआ था एक अकाल का कारण भी बना था चलिए अब बताइए श्रीलंका से साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था साउथ इंडिया के अंदर कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था हेमेलिया वेस्ट टेरिक्स जो फंगस है उसके कारण होता है कॉफी रस्ट किसके कारण होता है हेमेलिया वेस्ट टेरिक्स के कारण होता है हेमेलिया वेस्ट टेरिक्स के कारण होता है वेस्ट एक्स के कारण होता है साउथ इंडिया में आया था ईयर कोई फिक्स नहीं है इसका बहुत मिलेगा आपको है ना 1869 से 1885 के बीच में क्या है अलग अलग लोगों का मानना है कईयों का 1867 मानना है लेकिन ये देखने को मिलता है कि इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 1869 का देखने को मिलता है लेकिन ईयर से कोई मतलब नहीं है आपको है ना आप 1860 का दशक बोल सकते हैं 1860 के दशक में आया था वेस्ट, जो हो, फंगस होता है उसकी वजह से होता है साउथ इंडिया में यह बहुत बड़ी समस्या बन के उपरा था एपिडेमिक बन के उपरा था आप लोगों को पता हो तो चलिए नेक्स्ट अपने बात करें अगला इन विच मेथड ऑफ द प्रोपोगेशन द मदर प्लांट इज कट डाउन टू द ग्राउंड एंड द न्यू विद द विदल एट बेस प्रसार की किस विधि में मदर प्लांट को जमीन से काट दिया जाता है और नए अंकुरों के आधार पर मिट्टी से ढक दिया जाता है ये बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि कोई भी मदर प्लांट है ना जो हमने सीड से लगाया है वास्तव में तो वो दो साल का होता है जब पंद्रह से बीस सेंटीमीटर से काट देते हैं इससे बहुत क्योंकि है। मिट्टी तो इसमें क्या है? रूट इमर्ज हो जाएगी और इनको अलग अलग करके नए पौधे के रूप में लगा दोगे इसे आप माउंट लेरिंग या स्टूलिंग या ढेरी दावेदी या टीला दावेदी कहते हैं क्या बोलते हैं माउंट लेरिंग ढेरी दावेदी या टीला दावेदी कहते हैं अच्छी तरह जानते होंगे और ये किसका प्रोपोगेशन का कमर्शियल मेथड है

ये डिजीज आप लोगों से पूछा जा सकता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर का बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ द कार्नेशन इज कॉज बाय द जेनेटिकल फैक्टर ऑप्शन है आपके पास स्प्लिटिंग दूसरा है स्लिपीनेस और तीसरा ऑप्शन है

जो स्प्लिटिंग होता है उसका सबसे जो मेन रीजन होता है वो नाइट लो टेम्परेचर होता है रात में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान गया और क्लेक्स स्प्लिटिंग आपको देखने को मिला उसके अलावा लो नाइट्रोजन भी हो सकता है उसके अलावा लो बोरोन की भी हो सकता है हाई अमोनिकल नाइट्रोजन भी हो सकता है ठीक है ये भी कारण हो सकते हैं लेकिन नाइट लो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अलावा ये जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है ये जेनेटिकल डिसऑर्डर हो भी हो सकता है, है नेक्स्ट है वो कैल्शियम की डेफिसेंसी से होता है और इथाइलिन की वजह से भी होता है है ना हाई की, हाई की की वजह से भी होता है और स्टोरेज में हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी स्लिपीनेस है वो कार्नेशन में देखने को मिलता है करली टिप जो है वो बोरोन डेफिशिएंसी से ही होगा और ग्रासीनेस मैंने आपको बताया कि पक्का का पक्का कैसा डिसऑर्डर है जेनेटिकल डिसऑर्डर है पक्का 100 परसेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है अभी सारे इजी टाइप के क्वेश्चन है वो आपके चल रहे थे टफ टाइप के क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के बचे हैं जो अपने कल डिस्कस करेंगे ठीक है आज इतना ही टाइम हो गया है अपना और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर के नए बेचेज के लिए जो डेमो क्लासेज है वो कल से शाम को साढ़े पाँच से स्टार्ट हो रही है फाइव डेज की डेमो क्लास है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो चेट में जो एक मैसेज पिन हो रखा है उस पर आप क्लिक करिए और उसके बाद एक गूगल फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट ओके थैंक यू गुड नाइट अब कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं लेकिन अब तो टाइम हो गया कल ही बात करेंगे ना कोई बात नहीं कल बात करेंगे कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो हर एक सब्जेक्ट की अपने इसी तरह से क्विज लेके आएंगे जिससे आपको अच्छी खासी मदद मिल जाए ओके थैंक यू गुड नाइट